नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एचपी एग्जाम फेयर्स में। आज हम ट्राइब्स ऑफ हिमाचल प्रदेश के बारे में पढ़ने वाले। आप सभी को पता है जो हमने एचपी जीके की सीरीज चला रखी है उसमें मैं आपको पूरी हिमाचल जीके पढ़ाने वाला हूँ, चाहे हाई से हाई लेवल हो एग्जाम हो या लो से लो लेवल, हम सारे एग्जाम कवर करने वाले हैं। तो ट्राइब्स ऑफ हिमाचल प्रदेश में मेन क्या रहता है, क्योंकि आपको पता है हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी ट्राइब्स पाई जाती है, लाइक आपने सुने भी होगी गद्दी, स्वांगला, पांगवाल, तो ऐसी ट्राइब्स होती है मेजरली जो आपकी 8-9 ट्राइब्स है उनको मैं डिस्कस करूंगा। तो मैं आपको पूरा जो चैप्टर है वो अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ और आपको ऐसे ऐसे टर्म भी पढ़ने को मिलेंगे लाइक कमाश, गुदानी, जिंटफू, जो आप कॉमनली जिन वर्ड्स को बोलते नहीं हो मगर आपको इस टॉपिक में उन्हें याद भी रखना होगा। तो ट्राइब्स क्या होता है कि बहुत ही पिछड़े हुए इलाके के लोग होते, मगर अगर अभी हम देखें जो इनका व्यवहार है, इनका चाल चलन है, जो इनका रहने का तरीका है, वो अब चेंज होता जा रहा है। क्योंकि आपको अगर मैं बोलूं आज से 20 साल पहले मोबाइल, तो मोबाइल भी नहीं होता था, मोबाइल भी ऐसी चीज़ थी कि बहुत एक्सपेंसिव थी और इतनी डेवलप भी नहीं थी। मगर आज के टाइम पे आप देख सकते हो कि दूर से दूर जो भी चीज़ चल रही हो हम उसे घर देखे ही देख सकते हैं। तो वैसे ही ट्राइब्स में भी हो रहा है कि अब जो उनका रहन सहन है वो चेंज होता जा रहा है, मगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि उनका मैरिज का स्टाइल कैसा है, उनमें अगर डिवोर्स होता है तो वो कैसे होता है, अगर प्रॉपर्टी का इनहेरिटेंस होगा तो वो कैसे होगा। तो सब कुछ पढ़ाऊंगा, पहले हम बोर्ड में चलेंगे। बोर्ड में मैं आपको एक एक ट्राइब के जो मेन पॉइंट्स है वो बताऊंगा, यानी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या क्या पता होना चाहिए। फिर मैं आपको पूरी पीडीएफ इसकी बताने वाला हूँ, जो पीडीएफ रहेगी आज के लेक्चर की वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो उसमें मैं आपको सारी ट्राइब्स का पूरा ए टू जेड चीज़ें बताऊंगा और आप पीडीएफ को बाद में रीड भी कर सकते हैं ताकि आपको चीज़ें अच्छे से याद हो जाए। तो बिना किसी देरी के आज के लेक्चर को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हम ट्राइब देखने वाले वो है गद्दी ट्राइब। तो जो गद्दी ट्राइब है ये मेनली कहाँ मिलती है, ये भरमौर रीजन में मिलती है मेनली। अब जो भरमौर है इसे एंशियंट टाइम में गधेरन भी बोलते थे, तो गधेरन क्या था, ये होमलैंड था गद्दी ट्राइब का। ऐसा नहीं है और पार्ट्स में नहीं मिलती, और पार्ट्स में मिलती है, मगर जो मेन जो इनका एरिया है जहाँ के रहने वाले माने जाते हैं वो है गधेरन। गधेरन किसको, भरमौर को ही बोलते थे। तो यहाँ पर साइड में नेमिंग कर लेता हूँ। तो मेनली कहाँ मिलते हैं, चंबा के भरमौर में ये मिलते हैं। तो गद्दी जनजाति के लोग आपने देखे होंगे, इनके पास क्या होते हैं, फ्लॉक्स होते हैं शीप और गोट्स के, बहुत बड़े बड़े 200-300 जो है शीप्स होती है, उनको ये चराते हैं। कभी आपने देखा होगा कि हाँ जो सर्दियाँ होती हैं उस टाइम पहाड़ों में बर्फ गिरती है तो ये नीचे आ जाते हैं, तो आपने देखा होगा ट्रैफिक भी लग जाता होगा, रोडों से जा रहे होते हैं 100-200 जो है बकरियाँ लेके, तो तब ट्रैफिक भी लग जाता है। बाद में जब गर्मियाँ होती है तो वापस ये पहाड़ों में चले जाते हैं। तो वो गद्दी ट्राइब के लोग ही होते हैं। इनमें जो आपको मेनली पता होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इनका मैरिज कैसे होती है, जो प्रॉपर्टी की इनहेरिटेंस होती है वो कैसे होती है, तो ड्रेसेस क्या ये पहनते हैं। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स है जो आपको पता ही होने चाहिए, इनसे डेफिनेटली क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो सबसे पहले मैं आपको मैरिजेस बताता हूँ कि जो मैरिजेस करते हैं ये किस किस टाइप की होती है। तो ये नेमिंग आपको याद रखने, जो नाम यहाँ पर दे रखे, पहला क्या है बाटा साटा। तो बाटा साटा में क्या होता है, जो बॉय होगा, जो जिससे भी मैरिज करने वाला है यानी उसकी वाइफ होगी, तो बॉय की जो सिस्टर होगी वो किससे मैरिज करेगी, जो उसकी वाइफ होगी उसके ब्रदर से। तो बॉय सिस्टर मैरिजेस विद हिज वाइफ्स ब्रदर। तो ये कौन करते हैं, जो इन गद्दी ट्राइब में भी थोड़े गरीब होते हैं तो उनकी दोनों भाई बहन की शादी एक ही घर में हो जाती है, तो इसमें क्या होता है, इसे बाटा साटा कहते हैं। यानी जो बॉय होगा उसकी सिस्टर किससे शादी करेगी, जो उसकी वाइफ होगी उसके ब्रदर से, तो एक ही घर में दोनों भाई बहन शादी कर लेते हैं, तो इसको बाटा साटा बोलते हैं। तो ये वर्ड्स आपने याद रखने, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूछ सकता है कि बाटा साटा किस टाइप की मैरिज है, तो इसलिए आपको ये वर्ड्स याद रखने हैं। फिर है गुदानी। तो गुदानी में क्या होता है, विडो मैरिज सेकंड ब्रदर। तो आप अगर अभी हमारे समाज में देखो तो विडो मैरिज थोड़ी गलत मानी जाती है, मगर जो गद्दी ट्राइब थी इनमें ये कॉमन चीज़ें हैं कि हाँ जो विडो होगी वो वापस शादी कर सकती है, हाँ कर सकती है। जो डाइवोर्स होता है वो बहुत ही कॉमन होता है, वहाँ पर एक रस्सी पकड़ के बस तोड़ते हैं और डाइवोर्स हो जाता है, तो वो बहुत कॉमन है जो ट्राइब्स होते हैं उनमें, मगर हमारे समाज में इसे थोड़ा गलत माना जाता है, मगर उनके लिए ये चीज़ें कॉमन थी। तो जैसे गुदानी है, गुदानी में क्या होता है, जो विडो होगी यानी जिसका पति मर जाएगा तो वो किससे शादी करेगी, अपने पति के भाई से, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे गुदानी बोलेंगे। फिर है घर जमाई। घर जमाई आपको नाम से पता लग रहा है कि हाँ लड़की के घर में रहना पड़ेगा, तो वैसे टाइप का है घर जमाई या कमाश। तो घर जमाई या कमाश कोई भी बोल लो, इसमें क्या करता है, 7 साल वर्क करना पड़ता है लड़की के घर में, तो नाम से पता लग रहा है घर जमाई तो मतलब लड़के के पास रहना होगा। तो घर जमाई और कमाश का क्या मतलब है, इसमें जो लड़का है वो 7 साल वर्क करेगा लड़की के घर में। फिर है झिंड फूक और बरार फूक। इस टाइप की मैरिज में क्या होता है कि जो मैरिज होगी वो कैसे होगी, विदाउट कंसेंट ऑफ पेरेंट, यानी पेरेंट नहीं मान रहे होंगे मगर शादी कर लेते हैं तो उसे क्या बोलेंगे, झिंड फूक और बरार फूक। तो ये इस टाइप की मैरिज होती है। नेक्स्ट है झंझरारा। इसमें क्या होता है, कंसेंट होता है, यानी जो रिलेटिव्स पेरेंट्स होते हैं उनका कंसेंट होता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है और तब जाके मैरिज होती है, तो इस टाइप की मैरिज को झंझरारा बोलते हैं। फिर है दानपुन। दानपुन क्या, ये कॉमन टाइप ऑफ मैरिज है।
तो छह टाइप की मैरिजेस बताई मैंने आपको, ये आपको पता ही होनी चाहिए। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हाँ गुदानी गुदानी किस टाइप की मैरिज है, तो इसमें जो विडो है वो किससे, जो उसका पति था जो मर गया उसके भाई से शादी करती है। फिर घर जमाई है, इसमें लड़की घर में 7 साल रहना पड़ता है। जीण फूक में जो पेरेंट्स हैं उनका कंसेंट नहीं होता। झंझरारा में जो पेरेंट्स हैं उनका कंसेंट होता है, रिलेटिव्स का कंसेंट होता है। दान पुन क्या है, ये कॉमन टाइप ऑफ मैरिज है। तो यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली आपको बन सकता है। तो मैरिज तो आपको पता होना चाहिए, जो मैरिज के तरीके होते हैं उनके वो सारे आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। फिर है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, यानी मान लीजिए मेरे बच्चे हैं तो उनको प्रॉपर्टी जो मेरी होगी वो कैसे मिलेगी, तो ट्राइब्स में कैसे मिलती है, जो आपकी गद्दी ट्राइब है उसमें मुंदाबाद है, तो एक वर्ड है मुंदाबाद। मुंदाबाद में क्या होगा, मान लीजिए मेरे 4 बच्चे, तो उन चारों में जो प्रॉपर्टी है वो इक्वली डिवाइड हो जाएगी। तो क्या लिख रखा है, द फादर प्रॉपर्टी इज डिवाइडेड इक्वली अमंग हिज सन, तो जितने भी बच्चे होंगे उनमें इक्वली डिवाइड हो जाएगी, उसे क्या बोलेंगे, उसे मुंदाबाद। तो टर्म्स याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको डायरेक्टली पूछेगा कि मुंदाबाद और चुंदाबाद क्या है, तो ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है उसके तरीके, यानी जो प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट होता है वो कैसे होता है, मुंदाबाद और चुंदाबाद जो गद्दी ट्राइब में ऐसे होता है। अब चुंदाबाद क्या है, तो चुंदाबाद में क्या होगा, मान लीजिए मैं हूँ, मेरी एक से ज्यादा पत्नी, मान लीजिए 3 पत्नी है, तो उनके बच्चे भी होंगे, तो डायरेक्टली उन बच्चों को नहीं जाएगा, पहले किसको जाएगा, मेरी वाइफ्स को जाएगा, यानी 3 बीवी है तो तीनों को पहले चले जाएगा। तो वही चीज़ इसमें लिख रखी है कि चुंदाबाद में पहले जो वाइफ होगी यानी उसको जाएंगे, जो जितनी भी वाइफ होंगी 2 है 3 है उनके बीच में इक्वली डिवाइड होगी, उसके बाद बच्चों में जाएगी। तो अगर एक ही वाइफ है तो मुंदाबाद तरीके से उनके बच्चों को मिल जाएगी, अगर फादर की डेथ होती है जो प्रॉपर्टी। चुंदाबाद में अगर एक से ज़्यादा वाइफ है तो चुंदाबाद तरीके से जो है वो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होगी, यानी पहले वाइफ्स को मिलेगी। फिर है ड्रेसेस, ड्रेसेस क्या है, चोला और डोरा। तो चोला और डोरा इनकी ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं। डोरा तो आपने देखा होगा, जो जो उनकी कमर है उसमें बांधा होता है उन्होंने डोरा, वैसी चादरू है। चादरू क्या करती है, गद्दन वियर करती है अपने हेड में, तो चादरू जो वियर करती है वो होगी वो अपने हेड में। अब गद्दन से मेरे को याद आया क्या है कि जो साहिल वर्मन थे, साहिल वर्मन क्या थे, चंबा के राजा थे, तो इन्होंने शादी किससे की थी, गद्दन से शादी की थी, जिसका नाम नोखू है। तो ये चीज़ें कब याद आती है, जब आप चीज़ों को पढ़ते रहो तो अपने आप कनेक्ट कर पाओगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सी चीज़ें जो आपको पक्का पता होनी चाहिए। बाकी जब हम PDF इसकी डिस्कस करेंगे उसमें मैं आपको और भी चीज़ें बताऊंगा, यानी हम A to Z सब कुछ पढ़ने वाले हैं, चाहे हाई लेवल एग्जाम हो या लो से लो लेवल। तो ये तो आपके लो लेवल एग्जाम में डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा, हाई लेवल में क्या है ये और अंदर जाने की कोशिश करेंगे, तो अंदर जितना मर्जी चले जाएँ, तो हम तो पूरे तैयार हैं। तो PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, बाकी उसको मैं अभी पूरे अच्छे से आपको बताऊंगा, पहले एक के बाद एक ट्राइब्स देख लो क्या क्या चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, इनको समझ लो, फिर हम PDF को देखते हैं। बाकी इस टॉपिक से रिलेटेड हम MCQ भी ज़रूर करेंगे, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो इस टॉपिक से रिलेटेड MCQ होंगे। बाकी चलिए हम नेक्स्ट ट्राइब को देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारी ट्राइब है वो है किन्नर्स। तो जो ये किन्नर्स हैं ये मेनली किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में मिलते हैं। अब जो किन्नर वर्ड है कैसे बना है, 2 वर्ड को मिला के बना है, किन प्लस नर, तो इसका मतलब होता है हाउ आर दे मैंस, यानी अगर हम एंशियंट टाइम में देखें कि जो इनकी शरीर होता था वो कैसा होता था, वो शरीर तो इंसान जैसा होगा, मुंह घोड़े जैसा होगा, तो वो इनको देख के बोला कि हाउ आर दे मैंस, यानी ये इंसान कैसे है। तो वो एंशियंट टाइम की बात थी, मगर अब मॉडर्नाइजेशन हो रही है तो टाइम के साथ चीज़ें बदलती जा रही है, तो कुछ प्रथाएं तो वैसी है, जैसे मैरिज सिस्टम, पनिशमेंट, इनकी जो कम्युनिटी काउंसिल है वो सेम रहेगी, मगर मॉडर्नाइजेशन के साथ यानी इनके थोड़ा रहने का तरीका चेंज हो रहा है, पहले कुछ और काम करते थे अब अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। तो वैसी अब मैं जैसे मंडी में रहता हूँ तो मेरी भाषा क्या है, वैसे अगर कॉमनली देखते तो मंडियाली है, मगर मैक्सिमम मैं क्या बोलता हूँ, हिंदी। तो वही है, जब मॉडर्नाइजेशन आ रही है तो उसके साथ आपका जो रहन सहन है, चाल चलन है, वो आपका अलग हो जाता है। अब कांगड़ा के लोग हैं वो कौन सी भाषा बोलते हैं, कांगड़ी बोलते हैं, तो एरिया के साथ जो लैंग्वेज है वो भी चेंज होती है। अब ये किन्नर्स हैं तो इनकी लैंग्वेज अलग होगी क्योंकि ये अलग एरिया के, मगर मॉडर्नाइजेशन आ रही है तो उस वजह से अगर हम अभी देखें तो जो सिनेरियो है वो थोड़ा अलग है, मगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या पता होना चाहिए, इनका मैरिज सिस्टम। अब मैरिज कैसे होती है, तो मैरिज इनकी 3 टाइप से होती है, दमचल शीश और दमतांग शीश, तो इसे क्या बोलते हैं, लव मैरिज। तो दमचल शीश और दमतांग शीश ये है लव मैरिज। फिर है डरोश, हुशीश, न्यामशा, दीपांग, ये मैरिज बाय फोर्स, यानी किसी से ज़बरदस्ती शादी करना। एक है जनेकांग या जनेतांग बोल दो, ये है कॉमन मैरिज। तो 3 टाइप के इनकी मैरिजेस है, दमचल शीश क्या है, यह है लव मैरिज। फिर डरोश था वो कैसी है, मैरिज बाय फोर्स, यानी किसी से ज़बरदस्ती शादी करना। फिर है जनेतांग, इसमें क्या होता है, ये कॉमन मैरिज है। तो ऐसे ही जब आप चीज़ों को पढ़ते जाओगे आपको याद हो जाएगी, तभी मैंने PDF भी साथ में दिए। अब मेरी हैंडराइटिंग तो थोड़ी गंदी सी है तो आपको समझ भी नहीं आ रहा होगा कि हाँ क्या लिखा है, तो PDF में बहुत अच्छी से चीज़ें लिखी हुई है, उसको जब देखोगे तब अपने आप आपको चीज़ें याद हो जाएगी। फिलहाल बस चीज़ों को समझ लो, तो 3 टाइप से मैरिज होती, कैसे, दमचल शीश क्या है, ये लव मैरिज है। फिर डरोश थी वो कैसी है, मैरिज
मैरिज बाय फोर्स यानी किसी से जबरदस्ती शादी करना, फिर जनेतांग वो कैसी है, कॉमन मैरिज। अब एक और चीज आपको बताता हूँ, जो किन्नौरीज है इन्हें तिब्बत के लोग क्या बोलते हैं, तो तिब्बत के लोग जो किन्नौरीज है इन्हें खुनु बोलते हैं। तो ये चीज भी याद रखना, एग्जाम में आ जाती है कि जो तिब्बतियंस है वो किन्नौरीज को क्या बोलते हैं, खुनु बोलते हैं, और जो लेह लद्दाख यानी लेह लद्दाख वाले साइड के लोग हैं वो क्या बोलते हैं किन्नौरीज को, माओ माओ बोलते हैं। तो ये चीज भी आपने याद रखनी है, तिब्बतियंस क्या बोलते हैं किन्नौरीज को, खुनु बोलते हैं, और जो लेह लद्दाख यानी लेह वाले लोग हैं वो किन्नौरीज को बोलते हैं माओ। तो ये चीज एक एक्स्ट्रा चीज आपको बता दी। फिर है पनिशमेंट्स, तो ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ कि तिचिंग मिचिंग ती दरांग शीशे ये क्या चीज है। तो बताइए टीचिंग मिचिंग ती दरांग शीशे क्या चीज है, ये पनिशमेंट्स है। अगर आपने ये टॉपिक पढ़ा होता तभी आप इसका राइट आंसर दे पाते, क्योंकि ऑप्शन में तो आपको मैरिज सिस्टम, पनिशमेंट्स, कम्युनिटी काउंसिल, डेथ राइट्स, ये चारों चीज दी होगी, मगर आपने अगर पढ़ा नहीं होगा तो आप कैसे इसका आंसर दे सकते हो। तो ये पनिशमेंट्स एक तरीके से, टीचिंग मिचिंग में होता है कि अपनी कम्युनिटी से बाहर निकाल देते, क्यों निकाल देते, अगर जो देवता है उसकी डायरेक्शन को फॉलो नहीं करते, या फिर किसी की जो संपत्ति है उसको जबरदस्ती हड़प लेते हैं, या किसी लड़की से शादी करते हैं जो उनकी कास्ट की नहीं है, तो उसमें जो अपनी कम्युनिटी उससे बाहर निकाल देते हैं, तो उसे बोलते हैं टीचिंग मिचिंग। फिर है ती दरांग शीशे, थोड़े नाम आपको डिफिकल्ट लग रहे होंगे, तभी मैं आपको बोल रहा हूँ इन चीज़ों को जितना पढ़ोगे उतना अच्छा रहेगा। ये नाम याद करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, क्योंकि टाइम के साथ हम ऐसे नाम भूल जाते हैं। तो ती दरांग शीशे क्या है, ये अवॉर्डेड फॉर इनकरेजिबल एरर, यानी आप कोई ऐसी गलती कर दो जिसे ठीक नहीं कर सकते, तो उसमें आपको जो तितिंग ती दरंग शीशे ये वाली पनिशमेंट मिलेगी। इसमें क्या करेंगे, जो लोग होंगे इनकी कम्युनिटी के वो आप पे ठंडा पानी गिराएंगे, यानी इनकी कम्युनिटी की बात करो, यहाँ पर जो भी गलती करता है तो उस पर ठंडा पानी गिराएंगे, उसकी प्रे करेंगे उसके लिए कि वो हर लेवल पे फेल हो अपनी लाइफ में, तो कुछ इस टाइप से रहता है। तो ये पनिशमेंट है ती दरंग शीशे और तिचिंग मिचिंग। फिर कम्युनिटी काउंसिल है, तो हम अब हमारे में देखें तो पंचायत होती है, इनके में क्या होती है कम्युनिटी काउंसिल होती है, उसमें भी एक हेड होगा, जैसे हमारे पंचायत में एक हेड होता है, तो इनमें क्या है इनकी कम्युनिटी काउंसिल होती है। तो इनकी जो कम्युनिटी काउंसिल है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं चार भाई। तो इसमें क्या होगा, एक मुखिया होगा, कुछ मेंबर्स होंगे। अब जो ये पनिशमेंट से कौन दे रहा है, तो ये इसी कम्युनिटी काउंसिल के द्वारा दी जा रही है, यानी इसमें एक मुखिया होगा, कुछ मेंबर्स होंगे, तो इनकी कम्युनिटी काउंसिल को चार भाई बोलते हैं। तो यही जो पनिशमेंट है दे रहे हैं आगे जो भी कोई गलती करता है इनकी कम्युनिटी में। फिर है डेथ राइट्स, तो डेथ राइट्स क्या, दुबंत, फुकंत और भकंत। दुबंत क्या हो गया, मतलब डुबा के, डुबाना किसी को, फुकंत होता है जलाना यानी मरने के बाद जला देते हैं, फिर भकंत मिट्टी में दबा देना, तो ऐसे टाइप से होते हैं डुबंत, फुकंत और भकंत, ये इनके डेथ राइट्स है। डांसेस क्या है, ये तो आपने सुने ही होंगे, अगर हिमाचल प्रदेश में कोई ना कोई एग्जाम दिया तो ये सुना ही होगा कि हाँ कयांग बकयांग क्या है, तो ये डांसेस है किन्नौरीज के, तो कयांग बकयांग और बना यांगचू ये डांसेस है। फिर डाइवोर्स है, डाइवोर्स क्या है, शिंग तांगतांग और थाग चोचा। तो इंपॉर्टेंट है, कुछ भी नहीं छोड़ना है, डाइवोर्स अगर मैं बोल रहा हूँ कि हाँ मैंने बस दो वर्ड लिख लिए तो ये भूल जाने, भूलने नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, शिंग तांगतांग और थाग चोचा। इसमें क्या होगा, एक पेड़ होगा उसकी लकड़ी को दोनों पकड़ेंगे, जो मियाँ बीवी होंगे वो लकड़ी को पकड़ेंगे और तोड़ देंगे, तो उससे डाइवर्स हो जाता है, बहुत ही सिंपल तरीके से इनमें डाइवर्स हो जाता है, तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं, शिंग तांगतांग और थाग चोचा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि तिब्बतियंस किन्नौरीज को क्या बोलते हैं, खुनु, लह वाले क्या बोलते हैं, माओ। तो ये सब चीज़ें आपने याद रखनी है, बाकी स्क्रीनशॉट लेने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ आपको तभी दे रहा हूँ, पीडीएफ को प्रिंट आउट करा लेना फिर पढ़ लेना, बाकी पूरी सीरीज ऐसी चलेगी, हर एक लेक्चर की आपको पीडीएफ मिलेगी, एमसीक्यू जो होंगे वो भी कवर करूंगा, तो पूरी हिमाचल जी के पढ़ाऊंगा इन डेप्थ। बाकी हमारा जो किन्नर से ये वाला कंप्लीट हो गया, अब हम अपनी नेक्स्ट ट्राइब देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारी ट्राइब है वो है स्वांगला। तो जो स्वांगला ट्राइब है कहाँ मिलती है, ये लाहौल स्पीति में मिलती है, लाहौल स्पीति की जो पतन वैली और चंद्रभागा वैली है वहाँ पर ये मिलती है। तो अब इसमें देखते हैं हम स्वांगला ट्राइब में कि इनमें मैरिज कैसे होती है, मैरिज की फॉर्म्स क्या है। तो इसमें भी तीन टाइप के मैरिज की फॉर्म है, पहला है रुस्ताते ब्याह। रुस्ताते ब्याह क्या होता है, ये लव मैरिज होती है, इसमें जो लड़का और लड़की होते हैं वो प्यार में पड़ते हैं और शादी कर लेते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, इसमें जो स्वांगला ट्राइब है उसमें इस फॉर्म ऑफ मैरिज को बोलते हैं रुस्ताते ब्याह। फिर है कुआ ब्याह। कुआ ब्याह में क्या होता है, मैरिज बाय कैप्चर, यानी जो लड़का है वो लड़की को उठा लेता है, अपने दोस्तों के साथ जाता है और लड़की को उठा लेता है, तो उसे बोलते हैं मैरिज बाय कैप्चर को कुआ ब्याह। फिर है मजमी ब्याह। इसमें क्या होता है, जो लड़का है वो खर्चे नहीं उठा सकता शादी के, तो वो क्या करता है, अपनी सिस्टर को बोलता है कि तू लड़की के घर जा और उसे लेके आ जा, और फिर जो उसकी सिस्टर है वो लड़की को लेके आती है उसके घर और वो साथ में मिलके रहते हैं, तो उसे बोलते हैं मजमी ब्याह। तो इसमें भी तीन फॉर्म्स है मैरिज की। अब इससे पहले हमने किन्नर ट्राइब की थी, तो उसमें हमने क्या देखा था, जो लव मैरिज है उसे क्या बोला था, दमचल शीश बोल दिया था, तो लव मैरिज को दमचल शीश बोला था। यहाँ पर रुस्ताते ब्याह बोल रहा है लव मैरिज को, एक तरह से लव मैरिज ही है। फिर यहाँ पर मैरिज बाय कैप्चर उसे बोल रहा है कुआ ब्याह, वहाँ पर क्या बोलते थे डरोश,
या हशीश बोलते थे, तो डरोश बोल दो, हशीश बोल दो। तो डरोश में क्या होता था, वो मैरिज बाय फोर्स होती है, यानी जबरदस्ती किसी से शादी करना। इसमें कुआ ब्याह बोल दिया, यानी इसमें भी मैरिज बाय कैप्चर, यानी लड़की को उठा के ले जा रहे हैं, जबरदस्ती शादी कर रहे हैं। तो जो स्वांगला ट्राइब है उसमें कुआ ब्याह बोलते हैं। फिर वहां पर एक जानेतांग था, वो क्या था, एक कॉमन टाइप ऑफ मैरिज थी। इसमें थर्ड क्या है, इसमें थर्ड है मजमी ब्याह। इसमें जो लड़का है वो अपनी बहन को बोलता है कि लड़की को लेके आ, वो लड़की को लाता है, उसकी बहन लेके आती है और वो शादी करते हैं। तो इसमें भी और उसमें थोड़ी सेम टाइप के, बस वर्ड्स आपको याद रखने हैं, वर्ड्स मेन है, तो वर्ड्स आपको याद हो गए, बाकी तो कुछ है ही नहीं। फिर डाइवोर्स देखते हैं, इसमें सुद थ्वाक्ची। तो डाइवोर्स क्या है, सुद थ्वाक्ची बोलते हैं। अब थोड़ा डिफिकल्ट सा नाम है, प्रोनाउंसिएशन शायद मेरी भी गलत हो जाए, तो एक बार चेक कर लेना। बाकी ऐसा है, वर्ड याद रखना सुद थ्वाक्ची, तो थोड़ा डिफिकल्टी रहेगा, मगर ऐसे करना तो अब पड़ेगा ही, क्या करें, एग्जाम में सिलेक्शन लेनी है तो रात दिन मेहनत तो हमें ही करनी पड़ेगी, कुछ भी छोड़ नहीं सकते। आपको पता है कंपटीशन बहुत हाई लेवल का हो गया, और पिछले कुछ सालों में तो बहुत ज़्यादा धांधलियाँ भी हुई, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी लग गए जो डिजर्विंग नहीं थे, बस पेपर खरीद खरीद के। मगर अब हम उम्मीद कर सकते कि जो भी आपके नेक्स्ट एग्जाम्स होंगे वो बहुत ही फेयरली होंगे, ट्रांसपेरेंट मैनर में होंगे, और इस बार आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं। मान लीजिए आप इतने सालों से मेहनत कर रहे थे, थोड़े थोड़े नंबर से रह जा रहे थे, तो ऐसा नहीं है वो आपकी ही सीट थी। बस क्या बताएं, हिमाचल का तो बहुत बुरा हाल है, पेपर आते हैं तो दो दो साल उन एग्ज़ाम कंडक्ट करने में लग जाते हैं, कुछ कंडक्ट भी हो जाते हैं तो तीन तीन साल उनका रिजल्ट नहीं आता, तो बहुत ही बुरा हाल चला हुआ है यहाँ पर जॉब्स को लेके। तो उन चीज़ों में अभी तो क्या ही बात करूँ, अभी टॉपिक पे ध्यान देते। बाकी कुछ टाइम बाद मैं खुद लाइव क्लासेस कंडक्ट करूंगा, यूट्यूब में फ्री लाइव क्लासेस होगी, तो वहाँ पर डिस्कशन करेंगे जो भी हिमाचल में चल रहा होगा चीज़ों के बारे में, आपको पढ़ाऊंगा भी, कुछ आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा किसी ना किसी वे में। फिलहाल तो आपको पता है नौकरी करता हूँ तो टाइम नहीं होता, तो देखेंगे आगे जाके, क्या पता नौकरी भी छोड़ दें अगर सब अच्छा चला तो। बाकी देखते हैं क्या होता है, कुछ मेरे को भी पता नहीं है। तो शुद्ध थ्वाक्ची के डिवोर्स होता है, तो डाइवर्स का एक टाइप है। इसमें क्या होता है, एक थ्रेड होती है, उसे जो मियाँ बीवी है वो पकड़ेंगे और फिर खींच के तोड़ देंगे, तो डाइवर्स हो जाएगा, एक सिंपल टाइप से ही है। तो बस नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, सुद थ्वाक्ची। फिर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पर पागवंद बोलते हैं। तो पहले आपने देखा था वहाँ पर मुंदाबाद और चुंदाबाद, यानी गद्दी ट्राइब था, उसमें क्या बोलते हैं, मुंदाबाद और चुंदाबाद। यहाँ पर आपकी स्वांगला ट्राइब में ये नाम थोड़ा चेंज हो गया, बाकी चीज़ सेम ही है। यहाँ पागवंद बोलते हैं, इसमें जो प्रॉपर्टी है वो कैसे जाएगी, आफ्टर डेथ, जो अगर डेथ हो जाती है बंदे की तो उसके जो सन्स हैं उसमें इक्वली डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पागवंद बोल दिया, बाकी चीज़ वही है, बस ट्राइब्स के साथ जो है वो वर्ड चेंज हो जाएंगे क्योंकि भाषा चेंज हो जाती है। अब कोई अलग रीजन का है तो उसकी भाषा अलग होगी, कोई कहीं का है तो उसकी भाषा अलग होगी। फिर इनके मेन टेम्पल्स कौन से, तो इनके दो फेमस टेम्पल हैं स्वांगलास के, वो कौन से, त्रिलोकीनाथ और मृकुला। तो त्रिलोकीनाथ और मृकुला टेम्पल ये कहाँ है, ये उदयपुर में, यानी लाहौल स्पीति में। तो त्रिलोकीनाथ और मृकुला टेम्पल ये इनके फेमस टेम्पल्स है स्वांगला ट्राइब के। तो स्वांगला ट्राइब में आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए थी, इनके मैरिज फॉर्म्स, डिवोर्स कैसे होता है, और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और टेम्पल्स। अब हम अपनी नेक्स्ट ट्राइब को देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारी ट्राइब है वो है खम्पा। तो ऐसा माना जाता है जो खम्पा ट्राइब है ये कहाँ से आई है, ये तिब्बत से आई है, यानी हिमाचल प्रदेश में तिब्बत से आई है, तिब्बत चाइना का पार्ट है, तो वहाँ से आई है। ऐसा नहीं हिमाचल के एक ही एरिया में मिलती है, डिफरेंट डिफरेंट एरिया में मिलती है, और डिफरेंट डिफरेंट एरिया में इनके डिफरेंट डिफरेंट नाम है। जैसे कि जो खम्पा किन्नौर में मिलते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, कुनू खम्पा। जो खम्पा आपके कुल्लू में मिलते हैं उनका नाम है न्योंदी खम्पा। स्पीति और लाहौल में अलग अलग नाम है, जैसे लाहौल में गारजा खम्पा बोलते हैं, स्पीति में पीती खम्पा बोलते हैं, और जो खम्पा आपके घूमते हैं यानी खाने के लिए इधर से उधर घूमते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं निखोर खम्पास। तो खम्पा डिफरेंट डिफरेंट रीजन में इनके डिफरेंट डिफरेंट नाम है, तो एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, अगर एग्जामिनर को आपके लिए पेपर डिफिकल्ट बनाना होगा तो वो पूछ लेगा किन्नौर में खम्पास को क्या बोलते हैं, तो कुनू खम्पा बोलते हैं। तभी थोड़ा मैप बना दिए ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए, डिफरेंट डिफरेंट एरिया में इनके डिफरेंट डिफरेंट नाम है, और ये आए कहाँ से, तिब्बत से माइग्रेट होके हिमाचल प्रदेश में आए हैं। अब इनका मैरिज सिस्टम देखते हैं, जो इनकी मैरिज होती है वो कैसे होती है। ये एक बिचौलिया नेगोशिएटर, क्या बिचौलिया बोल लो या फिर आप दलाल बोल लो, तो वो कराता है, उसे क्या बोलते हैं, फाक्तुन। तो जो भी नेगोशिएटर होगा जो इनकी शादी कराया गया, बिचौलिया या दलाल, उसे फाक्तुन बोलते हैं। फिर डाइवोर्स है, डाइवोर्स इनका जो होता है उसका नाम क्या है, जसरी झा दल झा चोची। तो थोड़े डिफिकल्ट से नाम है, याद करना मुश्किल होंगे फिर से। तो जसरी झा दल झा चो जी, तो ये इनके डाइवोर्स के नाम है। फिर कम्युनिटी काउंसिल है, जैसे कि मैंने आपको बताया हमारी पंचायत होती है तो इनकी कम्युनिटी काउंसिल होती है, तो उसे जो नाम दिया है वो क्या दिया है, शुजाम चुंगी। तो इनकी जो कम्युनिटी काउंसिल होगी उसका नाम है शुजाम चुंगी। अब इसमें एक मुखिया हेड भी होगा, तो हेड को क्या बोलते हैं, हेड को बोलते हैं गोवा।
तो कंपाज में जो इनकी कम्युनिटी काउंसिल होती है उसे शुजाम चुंगी बोलते हैं, और जो इसका मुखिया यानी हेड होगा उसे गोवा बोलते हैं। अब मैरिज में जो इनका सॉन्ग यानी गाना गाया जाता है उसे बोलते हैं यानवा या फिर बोलते हैं तिमड़े लू। तो मैंने तो जल्दी जल्दी पढ़ा दिए, अब ऐसा है आपको याद हुआ नहीं हुआ, इतनी जल्दी याद नहीं होता, तो तभी PDF दे रखी है, अपने आप पढ़ना, चाहे धीरे पढ़ना चाहे तेज़ पढ़ना, अपने हिसाब से पढ़ना। अब मैंने तो इतनी जल्दी जल्दी आपको पढ़ा दिया, टर्म्स याद करना मुश्किल है, यानी जो नेगोशिएटर था जो शादी कराता है बिचौलिया वो फाखतून है, फिर जो डिवोर्स है उसे क्या बोलते हैं, जसरी झादल झा चोची, फिर इनकी कम्युनिटी काउंसिल यानी पंचायत जैसे हमारे पंचायत होती है उसे क्या बोलते हैं, ये शुजाम चुंगी, जो इसका हेड होगा वो होगा गोवा, फिर जो सॉन्ग गाया जाता है मैरिज में उसे यानवा या तिमड़े लू, बाकी डिफरेंट डिफरेंट रीजन में इनके डिफरेंट डिफरेंट नाम है। तो मैं आपके लिए चीज़ें आसान करने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी जब तक तो खुद तक पढ़ोगे नहीं आप तब तक आपको चीज़ें याद नहीं होगी। बाकी अब हम अपनी नेक्स्ट ट्राइब को देखते हैं। नेक्स्ट जो ट्राइब है हमारी वो है पांगवाल। पांगवाल ट्राइब कहाँ मिलती है, ये चंबा की पांगी वैली में मिलती है। मैंने आपको एक गद्दी ट्राइब भी बताया था, गद्दी ट्राइब कहाँ मिलती थी, भरमौर रीजन में चंबा के। अब चंबा में दूसरी ट्राइब है ये पांगवाल ट्राइब, ये पांगी वैली में मिलती है। अब इनके मैरिज सिस्टम देखते हैं यानी मैरिज के प्रकार देखते हैं कौन कौन से हैं। फिर है पित चुक और चोरी, तो पित चुक और चोरी क्या है, मैरिज बाय कैप्चर, तो नाम में ही चोरी है तो मतलब क्या हो गया, मैरिज बाय कैप्चर यानी उठा के ले जाना लड़की को, तो पित चुक और चोरी क्या है, मैरिज बाय कैप्चर। फिर है डोगरी, डोगरी का मतलब है मैरिज बाय एक्सचेंज यानी बदले में कुछ देना, तो डोगरी क्या है, मैरिज बाय एक्सचेंज। टोपी लाना है विडो री मैरिज। अब ये क्वेश्चन मैंने एग्जाम में भी देखा है कि टोपी लाना किस टाइप की मैरिज है, अब नाम से तो लग रहा है टोपी लाना, तो वैसा कुछ नहीं है, बस विडो रीमैरिज है, आपने ऐसे याद रखना है। तो टोपी लाना क्या है, विडो रीमैरिज। तो तीन टाइप की मैरिजेस है, पिच चुक और चोरी, मैरिज बाय कैप्चर, डोगरी है मैरिज बाय एक्सचेंज, और टोपी लाना क्या है, विडो रीमैरिज। तो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। अब मैरिज भी तीन स्टेजेस में होती है, पिलन फेकी और चक्की, तो तीन स्टेजेस में मैरिज होती है, पिलन फेकी और चक्की। अब जो इनका डिवोर्स है उसे क्या बोलते हैं, चारदे, डिवोर्स को चारदे बोलते हैं। नेक्स्ट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, अब प्रॉपर्टी कैसे मिलती है, अब गद्दी में आपको याद है चुंदाबाद और मुंदाबाद था, दो टाइप से मिलती थी, यहाँ पर थोड़ा सा नाम चेंज है, पागवंद और चुंदावंद, तो थोड़ा सा नाम चेंज है बाकी चीज़ वही रहेगी। पागवंद में क्या होगा, जो भी लड़के होंगे उसमें इक्वली प्रॉपर्टी डिवाइड हो जाएगी, और जो चुंदावंद है इसमें क्या होगा, पहले जो वाइफ से उनमें डिवाइड होगी यानी दो वाइफ से तीन वाइफ से उनमें इक्वली डिवाइड होंगे, फिर बच्चों में जाती है। फिर चोरी, चोरी क्या है, चोरी एक टाइप से ये क्रॉस है बिटवीन याक एंड काऊ, तो याक एंड काऊ का जो बच्चा है उसे चोरी बोलते हैं, और ये हर एक घर में मिलेगी यानी एक हर एक घर में इनके चोरी होती ही होती है। तो ये कुछ पांगवाल ट्राइब से रिलेटेड चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब मैंने बोर्ड में करने वाली सारी चीज़ें आपको बता दी है, अब जल्दी से हम टैब में चलते हैं, मैं आपको ज़रा PDF दिखाता हूँ, PDF में कुछ बातें एक्सप्लेन करता हूँ आपको, तो जल्दी से PDF में चलते हैं। ट्राइब्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो पूरी PDF मैंने इसकी तैयार कर रखी है, तो आप देख सकते हैं जैसे पहली जो हमारी ट्राइब यहाँ दी है वो है स्वांगला ट्राइब। तो स्वांगला ट्राइब कहाँ मिलती है, ये पतन वैली में मिलती है जैसे कि मैंने आपको बताया। अब इसमें जो राजपूत भी होते हैं, ब्राह्मण भी होते हैं, यहाँ पर जो ये लैंग्वेज बोलते हैं वो कौन सी है, वो है मानचद। अब ये कैसी है, मिक्सचर है तिब्बतन और हिंदी की, तो इसको मानचद बोलते हैं। चिनाली कहाँ बोली जाती है, सिप्पी और लोहारा में। भोटी बोली जाती है, जो बौद्ध होते हैं वो भोटी बोलते हैं। तिनान या टिनेंट कौन बोलते हैं, जो पेपल सिसु एरिया के होते हैं, तो आप ऐसे ही इन चीज़ों को याद कर सकते हो। अब इसमें एक चीज़ और बता दी है, लोकल ड्रिंक जो कंज्यूम करते हैं मैन उसे क्या बोलते हैं, उसे छांग बोलते हैं। तो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें PDF में दे रखी है। अब आपको एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे कि गारू और मुंदा ये क्या है, ये आउटकम है किसका, जब एक राजपूत जो आपका स्वांगला ट्राइब का राजपूत है ये किससे मैरी करता है, ये बौद्ध गर्ल जो कि एक लो कास्ट की होती है, तो उससे जब करता है तो क्या होता है, जो इनका आउटकम निकलता है उसे बोलते हैं गारू या मुंदा। तो उनका जो बच्चा होगा उसे गारू या मुंदा बोलेंगे जब राजपूत बौद्ध गर्ल से शादी करता है। तो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखिए, मैरिज सिस्टम मैंने आपको बताया, रुस्ताते ब्याह कैसा होता है, ये लव मैरिज होती है, रुस्ताते ब्याह लव मैरिज होती है। कुआ ब्याह क्या होता है, ये जो लड़का है लड़की को उठा के ले जाता है। मजहबी ब्याह क्या होता है, इसमें जो लड़का है अपनी बहन को भेजता है लड़की को लाने के लिए, फिर वो साथ में रहते हैं। तो सारी चीज़ें बता रखी है, डिवोर्स सिस्टम बता रखा है। सुदवाकची, इसमें जो है एक थ्रेड है उसे पकड़ के तोड़ते हैं तो जो है डिवोर्स हो जाता है। फिर खंपा ट्राइब है, वैसे ही उनके मैरिज सिस्टम मेजर फेयर बता रखे हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें। पांगवाल ट्राइब हैं, इनके मैरिज सिस्टम, डिवोर्स सिस्टम, इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, तो सारी चीज़ें इस PDF में दी हुई है। मैं फिर से इन चीज़ों को डिस्कस नहीं करूँगा, ये आपका होमवर्क है, इसको अच्छे से रीड कर लो PDF को, तो आपके लिए चीज़ें क्लियर हो जाएगी, क्योंकि मैंने आपको ऐसे ऐसे नाम बताए जिन्हें याद करना सच्ची में बहुत डिफिकल्ट है।
तो आप एक बार पीडीएफ से गो थ्रू खुद जाओगे तभी आपको ये याद होगा। बाकी इस टॉपिक से रिलेटेड आपको एमसीक्यू का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको खुद को चेक करना है कि आपको समझ आया नहीं आया कि आज आपने जो पढ़ा है। तो उसके लिए मैंने एक एमसीक्यू सीरीज भी चला रहा हूँ, यानी आपके जो डिस्क्रिप्टिव लेक्चर है और एमसीक्यू सीरीज वो साथ में चल रही है। तो हिमाचल का हर एक टॉपिक कवर करूंगा जीके का, उसके साथ एमसीक्यू भी कराऊंगा ताकि आपको पता लगे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो एग्जाम से ही क्वेश्चन उठा के उन एमसीक्यू सीरीज में मैंने डाल रखे। तो आज का लेक्चर हम इतना ही रखते हैं, आप इस पीडीएफ को रीड कर लेना, आपका ट्राइब्स ऑफ हिमाचल प्रदेश कंप्लीट हो जाएगा। बाकी खुद को आजमाने के लिए जो एमसीक्यू है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, तो आप ट्राइब्स ऑफ हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड एमसीक्यू भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। बाकी आज के लेक्चर को मैं इतने रखता हूँ, मैं आपसे अगली क्लास मिलूंगा, तब तक के लिए शब्बक है, थैंक यू। और हाँ, वीडियो अच्छी लग रही है, कुछ पसंद आ रही तो लाइक कर देना, शेयर तो कोई भी नहीं करता, मैं खुद नहीं करता था, तो आपको तो क्या ही बोलूँ, बस लाइक कर देना, अच्छा लगता है कि हाँ स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो व्यूज़ आ रहे हैं। बाकी होना तो क्या है, होना तो वही है, जो हम करेंगे जितनी मेहनत करेंगे उतना ही फल मिलेगा, तो मेहनत तो कर रहे हैं, बाकी देखते हैं। तो आपसे अगली क्लास मिलूंगा, तब तक के लिए शब्बा खैर, थैंक यू।